अपने अपने प्रांत में अपने अपने देश में वहां की उन्नति के अंदर सहभागी होते हैं। ये यही मजदूर हैं जिनके संघर्ष के लिए करीबन 150 साल पहले एक क्रांति हुई थी। बार बार हम इस बात को कहते हैं कि उस वक्त चिकागो में अराउंड 1886 के अंदर एक आंदोलन हुआ, मजदूर अपने ही मिट्टी लिए बातें करने लगे कि हम मजदूर हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह जीने दो, हमें मजदूरों की तरह हम 8 घंटे काम करना चाहते हैं, 8 घंटे हम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, 8 घंटे हम अपने लिए रेस्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी मजदूरों के हितों में निर्णय हो रहे हैं ये उन्हीं लोगों का संघर्ष था, ये उन्हीं लोगों का आंदोलन था। क्योंकि जब जब मासूम लोगों को सताया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो वहां से एक क्रांति शुरू होती है। और यही वो क्रांति थी जो 1886 में शुरू हुई थी। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 100-125 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी मजदूर लाल झंडा अपने हाथों में लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपने हक के लिए चिल्लाते हैं, अपना हक पुकारते हैं। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में आज भी मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, आज भी उनका शोषण हो रहा है। पर यह बात उन लोगों को मालूम है जिनका शोषण हो रहा है,